मैंने जब स्टार्ट की इन सितंबर 2020 में, मैंने यहाँ पे नोवा पे सेशन लिया था, तो मैंने स्टार्ट की चीज़ें, तो पहले मैं थोड़ा स्लो पेस पे चल रहा था, लेकिन जब सितंबर एंड हुआ तो मुझे आया कि यार ये जिस स्पीड से चीज़ें जा रही हैं इस बार तो एक एक बार ही सिलेबस कवर होगा, रिविजन का टाइम वगैरह नहीं मिला। तो फिर मैंने 2 दिन पूरे लगाए और अपना एक टाइम टेबल बना लिया मैंने, और घंटे तक डिफाइन कर लिया कि मैंने ये चीज़ इसमें करनी है। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन और साथ में नोवा की भी स्टार्ट कर दी। तो फिर जो चीज़ें हैं ना, वो मेरी बाय द स्टार्ट ऑफ जनवरी मेरी एक बार चीज़ें सिलेबस वगैरह सब कुछ कवर हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने रिवीजन की, और रिवीजन के साथ जो है ना वो चीज़ें प्रैक्टिस और ये सब कुछ। तो टाइम मैनेजमेंट तैयारी में भी बहुत, जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं और दूसरे को नहीं देते तो उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक भी फेल हो गया, एक नंबर से भी हो गया, तो आपका सारा वो चला जाता है। दूसरा जो पेपर की टाइम मैनेजमेंट है, उसमें यह है कि आपको सरफरी, जहाँ पे कहते थे कि इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स, अगर आपने अपने नर्व्स पेपर में कंट्रोल कर लिए, टाइम मैनेजमेंट कर ली, तो आप उसको क्रैक कर जाएंगे। तो उसका ये है कि जो आपने पहले 20 मिनट अगर वो देते हैं आपको एमसीक्यूज के लिए, तो वो 20 के 20 एमसीक्यूज को देने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको आते हैं वो करें 10 मिनट में और बस अपने जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसकी तरफ जाएं। तो मेरा ये था कि मैंने अपने साथ डिजिटल वॉच रखी हुई थी, कि मैंने हर अगर क्वेश्चन को 35 to 37 या 38 मिनट्स देने, तो मैंने 35 to 37 या इतने ही मिनट देने। और उसमें यह था कि हर क्वेश्चन को एक तो इक्वली टाइम दें, और पावर जो है ना, राइटिंग पावर, स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो प्रैक्टिस के साथ आएगी। तो हर क्वेश्चन को इक्वली टाइम दें, क्योंकि हर क्वेश्चन 20 मिनट 20 नंबर्स का है। अगर आपने एक को बहुत ज़्यादा 8 पेजेस पे लिख दिया, दूसरे को 4, तो और तीसरे को 3 पेजेस पे, फिर 1 पेज पे, तो वो भी एक बुरा इम्पैक्ट जाता है। तो आपने हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम देना है और हर क्वेश्चन में इक्वली लिखना है। अगर आपको वहाँ पे नहीं भी आता तो आपने अपने नर्व्स को कंट्रोल रखना है, क्योंकि जो भी आपके पास नॉलेज होता है कि कहीं भी नहीं होता कि आपको सारा पेपर आता होगा।